जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं जिनका एसएससी जीडी का इस बार का पेपर अच्छा नहीं हुआ। उनको ऐसा लगता है कि सर क्या इस बार सीटें बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार एसएससी जीडी में आप सबको पता है जब पोस्ट ऑफ वैकेंसी शुरुआत में आई थी तो 25,000 आई थी, उसके बाद में वैकेंसी चली गई थी 45,000, और फिर अंतिम में पेपर होने के बाद में भी उसमें 5,000 पदों का इजाफा हुआ था। इस बार भी कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर अभी जितनी पोस्ट ऑफ वैकेंसी यानी 26,146 पोस्ट पर तो कट ऑफ हमको लगता है। कमेंट आप पढ़ लेना मेरी वीडियो के नीचे, ये आप ही की सोच है, मैंने आप ही के कुछ कमेंट देके ये वीडियो बना रहा हूँ कि सर हमको लगता है इस बार कट ऑफ पिछली बार से ऊपर जाएगी, आपको इसके बारे में क्या लगता है। तो मैं तो पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि कट ऑफ पिछली बार से ऊपर जाने के चांसेस कम है, क्योंकि पिछली बार एज में 3 साल की छूट थी, तो 3 साल की छूट के कारण पिछली बार कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर गई थी मुझे ऐसा लगता है। हाँ, पोस्ट ऑफ वैकेंसी इस बार आधी है पिछली बार की बजाय, लेकिन जो एज का डिफरेंस है उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब अपर एज में छूट मिलती है ना तो कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ पिछली के अराउंड रहेगी, उसके नीचे रहने के चांसेस मेरे हिसाब से ज्यादा लगते हैं। लेकिन हाँ, जिन बच्चों के थोड़े से कम अंक आ रहे हैं तो उनका यह कहना है कि सर इस बार पोस्ट ऑफ वैकेंसी बढ़ेगी एसएससी की या नहीं बढ़ेगी, तो उन सभी बच्चों को मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि लाडो एसएससी किसी भी समय पोस्ट ऑफ वैकेंसी बढ़ा सकती है, लेकिन इस बार ये चांसेस बहुत कम है। ये चांसेस इसलिए कम है कि आप सबको पता है एसएससी ने घोषणा कर दी है कि अगस्त के महीने में अगली वैकेंसी आ रही है, तो जितने भी बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि हमारे नंबर कम है, तो मेरे हिसाब से उनको अगस्त वाली एसएससी जीडी को टारगेट करना चाहिए। देखो, हम अपनी अकेडमी में एसएससी जीडी का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बैच चलाते हैं, और उसके रीजन ऐसा नहीं कि हम चलाते हैं तो ऐसा कोई और नहीं चला सकता। उसमें बात यह है कि अभी एसएससी जीडी आप सबको पता है इसके पेपर हुए, और हमारी एकेडमी में 15 तारीख से अगस्त वाली वैकेंसी के लिए गारंटेड बेस शुरू हो गए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं एसएससी जीडी पर। ठीक है, एसएससी जीडी की भर्ती अगर हमको यह बता दे 12 महीने बाद है तो भी हम बेच आज से चलाएंगे। तो जिन बच्चों को यह है कि हमको नौकरी लगना ही लगना है तो वो हमारी अकेडमी को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य बने स्पेशली एसएससी जीडी में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए, अगर आप मान के चलो कि अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते, आप ये बोलते हो कि सर हम ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन तैयारी करिए, लेकिन अगस्त वाली वैकेंसी की तैयारी करिए इस उम्मीद में ना रहे कि इस बार पोस्टें कितनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। कम चांस है, क्योंकि एसएससी ने जब अगस्त में वैकेंसी, आप सोचो इस वैकेंसी में वो 5,000 पोस्ट बढ़ाएगी या 10,000 बढ़ाएगी, क्यों बढ़ाएगी जब अगली वैकेंसी की उसने घोषणा ही कर दी है कि अगस्त के माह में एसएससी जीडी की अगली वैकेंसी आ रही है। बिल्कुल भी चांस नहीं है। अगर कुछ बच्चे ऐसी मन में अगर धारणा रख रहे हैं तो उनको नहीं रखनी चाहिए। अगर उनके पिछली कट ऑफ से नंबर काफी, मैंने कट ऑफ वाला वीडियो बनाया आपने देख लिया होगा, अगर आपके पिछले कट ऑफ से अंक काफी कम है ना, तो फिर आपको तैयारी में लगना जाना चाहिए अगली एसएससी जीडी के लिए। इसके अलावा और कोई आपके पास में चारा नहीं है, फालतू घर पे बैठे रहने से कोई फायदा होगा नहीं, तो समय रहते अपने तैयारी में जुट जाइए। साथ ही एक चीज और बता दूं, जिन बच्चों के अच्छे अंक आए हैं, नॉर्मलाइजेशन वाला मैंने वीडियो बनाया था, उसके अलावा कट ऑफ वाला बनाया, उनको देखकर आपको लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, तो आप एसएससी जीडी का प्री मेडिकल भी करा सकते हैं अकेडमी में आके। काफी बच्चे इस समय आने शुरू हो गए, आप भी आ सकते हैं। उसका फायदा यह है कि इस बार री मेडिकल का आपको मौका नहीं मिलेगा, जिस दिन मेडिकल होगा उसी दिन शाम को री मेडिकल होगा, तो आप पहले से अपनी प्रॉब्लम को भांप सकते हैं, उसका इलाज करा सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात। पोस्ट बढ़ने के चांसेस मेरे हिसाब से बिल्कुल कम है। आप में से कुछ बच्चे ये भी बोल रहे होंगे कि सर जब पोस्ट नहीं बढ़ेगी तो पिछली बार तो बढ़ी थी, ये बढ़ी, उन चीजों से अपन अपना कोई लेना देना होता नहीं है। सरकार चाहे तो बढ़ा देती है, नहीं चाहे तो नहीं बढ़ाती, लेकिन इस बार अगस्त में भर्ती दे रखी है तो मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता कि पोस्ट बढ़ेगी। समझ गए, तो मन के लाडू फीका के वो वाली बात है, मन के लाडू भले ही आप मीठे कर दो लेकिन पोस्ट नहीं बढ़ेगी लाडू। ठीक है, जय हिंद जय भारत।